एक बाइकर के साथ हुए सड़क हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो कर्नाटक के मैंगलोर का है। एक स्कूटी वाले की गलती का खामियाजा इस बाइक सवार को कुछ इस तरह भुगतना पड़ा। उसने स्कूटी चालक को तो किसी तरह टक्कर होने से बचा लिया, लेकिन स्पीड इतनी थी कि खुद को संभाल न सका और दुकान के सामने रखे कंक्रीट के पत्थर से ऐसा टकराया कि बाइक हाथ से छूटकर अलग हो गई और वो हवा में तकरीबन 10 फीट ऊपर उछलकर सड़क पर जा गिरा। पीछे से आ रहे इस दूसरे बाइक सवार के लिए भी इससे बचना लगभग नामुमकिन सा था, वो भी बाइक से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। और जरा इस स्कूटी सवार को देखिए, जिसकी गलती से ये पूरा हादसा हुआ। वो रुका जरूर, पर हादसा देखने के बाद तुरंत वहां से खिसक लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गलती तो किसी से भी हो सकती है, पर कम से कम इंसानियत का फर्ज तो निभाया ही जा सकता था, लेकिन स्कूटी वाले ने ऐसी कोई जहमत नहीं उठाई। हादसे में घायल हुए बाइक सवार का नाम प्रशांत बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 30 साल थी। कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया न जा सका। वहीं दूसरे बाइक वाले को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन इस हादसे में कुछ गौर करने वाली भी बातें हैं। हादसे का शिकार हुए बाइकर ने हेलमेट तो लगाया था, पर टक्कर होते ही उसके सिर से हेलमेट उतर गया। अब इसकी दो ही वजहें हो सकती हैं, या तो हेलमेट ठीक से नहीं पहना गया था, ढीला बांधा गया था, या फिर टक्कर ही इतनी जोरदार थी कि उसके झटके से हेलमेट के पट्टे का लॉक भी टूट गया। और जाहिर है, ऐसी टक्कर के बाद सिर पर आने वाली चोट के चलते जान बचना मुश्किल था। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि दूसरी बाइक वाले का हेलमेट भी नीचे गिरते ही सिर से अलग हो गया, लेकिन सड़क से टकराने के बाद। यही वजह रही कि बंदे को सिर पर गहरी चोट नहीं आई और उसकी जान बच गई। लेकिन सवाल वही कि क्या इस शख्स ने हेलमेट ढीला पहना था, या यहाँ भी टक्कर की वजह से ही हेलमेट छिटक कर अलग हो गया। वजह हम नहीं जानते, पर हम सबक जरूर सीख सकते हैं। ये दुर्भाग्य है कि सड़कों पर ऐसे स्कूटी वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, यानी आप अपनी नहीं उनकी गलती का शिकार होंगे। तो जरूरी है कि हेलमेट अच्छी क्वालिटी का पहने और उसे ना ज्यादा ढीला लगाएं और ना ज्यादा टाइट। वैसे आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने स्कूटी चालक के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई ये कह रहा है कि गलती किसी की, सजा किसी को। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।